छिंदवाड़ा जिले में लगातार गांजा की तस्करी करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बैतूल रोड पर गांजा लेकर खड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके युवक को 2.5 किलो गांजे के साथ धर दबोचा। बाजार में गांजे की कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी मोहन खेड़ा थाना क्षेत्र ग्राम मऊ का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट 18/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आरोपी की न्यायालय में पेशी की जाएगी। न्यूज लाइव MP के लिए छिंदवाड़ा से महेश चांडेकर की रिपोर्ट। कल शाम को कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास खड़ा है, जिसके पास गांजे की होने की सूचना है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके व्यक्ति को पकड़ा गया। तो नाम पता पूछने पर सुदामा पवार निवासी ग्राम मऊ थाना मुखेड़ का रहने वाला बताया था। मौके पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2.5 किलो गांजा अवैध रूप से रखा हुआ पाया जाएगा, जिसके खिलाफ जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।